गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को. वेलकम बैक टू आरजे केयर पॉइंट ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस. तो कैसे हैं आप सभी? नॉर्सेट की एग्जामिनेशन अब आपके ईयर के अंदर दो बार होने वाली है. आई थिंक अब सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट मिल सकेंगे. एग्जाम के लिए आपको एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कुछ बच्चे जो हैं वो कॉलेज के एग्जाम पास आउट करने के बाद में रजिस्ट्रेशन में काफी कुछ इश्यू आता है, तो उनको एक साल के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा. ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नॉर्सेट के एग्जाम को देने के बाद में 3-4 महीने स्टडी से दूर चले जाते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि जब नेक्स्ट एग्जाम आएगा तो जनवरी फरवरी के अंदर बुक्स को हाथ लगाएंगे. तो ये सारी चीजें अब रिजॉल्व हो चुकी हैं और कंटिन्यू मेहनत के साथ में आप केवल एक एग्जाम की टारगेट के साथ में आप और भी मल्टीपल एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्टडी शेड्यूल जो होता है वो डिस्टर्ब होता रहता है केवल इसी कारण से कि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं. दिमाग में रहता है कि लगभग 7-8 महीने या फिर 12 महीने बाद में एग्जाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में लग रहे हैं, लेकिन बीच में कोई दूसरा एग्जाम आ गया तो बीच में उस एग्जाम के कारण हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो चुकी है. आपको पूरे साल केवल नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करनी है और इन बिटवीन उनके बीच में जो भी एग्जाम आती है वो एग्जाम केवल आपको डायरेक्टली उसी प्रिपरेशन के बेस पर अटेम्प्ट करनी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें बात करने वाले हैं नॉर्सेट 2023 के लिए स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चंस के अंदर काफी कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, अप्लाइड क्वेश्चन भी है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लासेस का टाइम आपका 4 बजे का रहेगा इवनिंग के अंदर. एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन क्वेश्चन सेशन को. देखिए 2 महीने आपके सामने है, जून का एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि सर 3 जून को एग्जाम होगा. मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अभी डेट का क्लेरिफाई नहीं हुआ है, डेट में भी पॉसिबल आपका सेकंड वीक तक भी हो सकता है एग्जाम, लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ जून के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखें. ठीक है, नॉर्सेट का बैच आपके लिए कंटिन्यू है, जो बच्चे स्टार्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्टली कर सकते हैं. और लाइव टेस्ट, जी हाँ, लाइव टेस्ट के बारे में आपको बताया था कि 40 लाइव टेस्ट आपके होंगे, उसके साथ में 30 आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी होंगे. वो आज से आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जस्ट 999 आपका प्राइज रहेगा. तो जो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया है वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. लगभग आपके 70+ पेपर आपके रहने वाले, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे. दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जिन बच्चों ने टेस्ट ज्वाइन किए हैं, लगभग 1500 स्टूडेंट अब तक टेस्ट को ज्वाइन किया है, तो आप एक बार शेड्यूल को चेकआउट कर लीजिएगा. जो शेड्यूल पहले हमने सेट किया था वो आपका अगस्त तक था, ठीक है, इस शेड्यूल को हमने दोबारा से चेंज कर दिया है और एग्जाम से पहले यानी जून मंथ से पहले ही आपका टेस्ट जो होंगे वो सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे. अप्रैल के अंदर आपका 1/1 आपका टेस्ट होगा, ठीक है, एक दिन आपका एग्जाम होगा, दूसरे दिन आपका ऑफ रहेगा, फिर एग्जाम होगा, ठीक है, अल्टरनेट डे आपका टेस्ट होने वाला है. और उसके बाद में अगर बात करें मई के मंथ के अंदर, तो रेगुलर आपका डे बाय डे आपका टेस्ट होगा. टेस्ट अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद में आप उनको डेली बाय डेली दे सकते हैं. किसी दिन अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए तो कोई इश्यू नहीं है, जिस दिन आप फ्री रहें उस दिन आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन रैंक जो होगा इसका लाइव ही डिक्लेयर होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, उसके बाद में राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा. देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिएगा, इसके साथ में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे. जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नॉर्सेट के अंदर भी आते हैं, आप एनक्लेक्स सोल्व करते हैं, ठीक है, मोस्बी के क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, प्रायोरिटी के बारे में बहुत बार सुना होगा आपने, क्वेश्चन भी सोल्व किए, लेकिन कई बार अपन क्या करते हैं क्वेश्चन को बाई मिस्टेक गलत कर देते हैं. तो उन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है क्वेश्चन की, उसके बारे में आपको इसी क्लास के अंदर बात करने वाला हूं. ठीक है, क्या होगा, कौन से ग्रुप के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं? देखिए अब जो यहाँ पर आपकी क्लासे होने वाली है वो सारी नॉर्सेट के लिए होंगी, इसी क्लासेस के बीच में से आपका सारा कंटेंट हर एक एग्जाम के लिए होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है. इन द मास्लो हायरार्की ऑफ द नीड, विच ऑफ द फॉलोइंग एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. देखिए मास्लो हायरार्की जो थ्योरी होती है उसका एक पिरामिड सेट किया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा. इस क्वेश्चन को और इसके कंसेप्ट को दोनों को अच्छे समझना है. सभी ने एक चीज रट रखी है, क्या रट रखी है? सर हमें सबसे जो प्रायोरिटी बेस की जो नीड होती है दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है, सबसे बेस पर जो होती है वो कौन सी होती है हमारी? सर दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड के बाद अगर बात करते हैं तो सभी के दिमाग में एक चीज आती है, सर रोटी कपड़ा और मकान, दीज आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द ह्यूमंस. ये हमारे ह्यूमंस की सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है. जब इसको हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमारे सामने सेकंड वन आती है सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. कौन सी आती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की. ठीक है,
सेकंड में अगर मान लीजिएगा सेफ्टी सिक्योरिटी आपने अचीव कर ली है, देन थर्ड वन हमारे सामने कौन सी आएगी, दैट इज द लव एंड बिलोंगिंगनेस। कौन सी आती है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हमारे सामने सर नेक्स्ट फर्दर हमारा टारगेट रहेगा, दैट इज द सेल्फ एस्टीम। कौन सा रहेगा? सेल्फ एस्टीम। और उसके बाद में कौन सा होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सा होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? ये मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी है, जिनमें अगर बात करते हैं लीस्ट रिक्वायरमेंट होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज द लीस्ट प्रायोरिटी। देखिए सवाल आता है मोस्ट प्रायोरिटी और लीस्ट प्रायोरिटी, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लीस्ट प्रायोरिटी की तो क्या होगा, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मोस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं तो क्या रहेगी? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड रहेंगी। दीज आर द मोस्ट प्रायोरिटी नीड, सभी को पता है इसके बारे में। और सवाल आपको सिंपली सा पूछा है इन द मास्लो हायरार्की थ्योरी द फॉलोइंग एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, यानी मास्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर जो टॉप ऑफ द पिरामिड के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन सी होने वाली है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी को आता भी होगा। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एडिशनल जो समझाने वाला हूं उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। हाँ, टॉप लेवल या हाईएस्ट लेवल की बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, बट इट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, ये हमारे लिए सबसे कम प्रायोरिटी वाली चीज रहेगी, ठीक है। अगर मोस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड। अब आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा मास्लो हायरार्की थ्योरी को, तो नर्सिंग के अंदर इस टॉपिक को ऐड करने का एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जब हम किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो हमारे सामने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी देनी होगी। हो सकता है कोई पेशेंट आरटीए का हो सकता है किसी पेशेंट को केवल फीवर हो रहा है, हो सकता है किसी पेशेंट को एमआई का अटैक आया, हो सकता है किसी पेशेंट को सीजर आ रहे हो। और बहुत बार हमने ये पढ़ा है कि सर हम किसी पेशेंट के एयरवे को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी पेशेंट के अपन क्या करते हैं सेफ्टी से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी पेशेंट को अपन इमरजेंसी कंडीशन में डायरेक्टली एक्शन यानी इमीडिएट हमारा एक्शन भी होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं प्रायोरिटी बेस, उन सभी क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी होती है। उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो आपने कॉलेज के अंदर पढ़ी होगी दैट इज द नर्सिंग प्रोसेस। क्या पढ़ी होगी? नर्सिंग प्रोसेस के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। और नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला हमारा जो काम होता है दैट इज द असेसमेंट। क्या होता है? असेसमेंट। जो भी पेशेंट हमारे सामने आया है, ठीक है, उस पेशेंट का अपन क्या करेंगे सर? सबसे पहले उसका असेसमेंट करेंगे, डाटा कलेक्शन कर लेंगे, क्लियर हुआ। उसके बाद पेशेंट को अपन क्या करेंगे? एनालिसिस, यानी पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे। क्या करेंगे? पेशेंट को एनालिसिस करेंगे, सेकंड वन। या फिर अपन क्या कह सकते हैं? पेशेंट का अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस। थर्ड वन अपन क्या करते हैं सर? हमारा गोल सेट करते हैं, यानी अपन प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सर हम प्लानिंग करते हैं या फिर क्या करते हैं? हमारा गोल सेट करते हैं, ठीक है। फोर्थ में अपन बात करते हैं सर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एंड लास्ट वन अपन क्या करते हैं सर? हमने जो इंप्लीमेंट किया है उसको इवैल्यूएट करेंगे कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। क्लियर हुआ? हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। ये सभी ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दोनों चीजों को आपस में कंबाइन करके मैं जो समझाने वाला हूं उसको अच्छे से समझिएगा कि आपके सामने अगर कोई भी पेशेंट है तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि उस पेशेंट को रिक्वायरमेंट किस चीज की है। जिस भी पेशेंट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप इसी प्रायोरिटी को सेट करना कि सबसे पहले उसका असेसमेंट, देन एनालिसिस, देन प्लानिंग, देन इंप्लीमेंटेशन एंड द इवैल्यूएशन। क्वेश्चन के अंदर आपको इजी वे के अंदर दिया होगा। एक एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि चलो नर्सिंग के अंदर ये टॉपिक को ऐड किया गया तो वहां पर पेशेंट की सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी? रोटी कपड़ा और मकान की अगर बात करते हैं दैट आर द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल पीपल, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट। अगर अपन पेशेंट के बारे में बात करें सर, पेशेंट की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी, तो यहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आएगी पेशेंट के लिए एयरवे। याद रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट का, एयरवे हो गया, क्लियर। पेशेंट की हार्ट रेट हो गई, क्या होगी? पेशेंट की हार्ट रेट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का न्यूट्रिशन, या अपन बात करते हैं थर्ड वन दैट इज द एलिमिनेशन। थर्ड वन क्या हो गया? एलिमिनेशन। दीज आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होगी, क्लियर हुआ। दूसरे अगर बात करते सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर इन जनरल बात करें तो किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होती है? उसकी एम्प्लॉयमेंट, यानी उसके पास में एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है, उसकी रिसोर्सेज, उसकी हेल्थ, दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ए जनरल पॉपुलेशन। अगर इन द रेफरेंस ऑफ पेशेंट अगर बात करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी क्या आएगी? दैट आर द प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी। क्या आने वाली बेटा? प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी, कि पेशेंट को अपन क्या करें? इंजरी से प्रोटेक्ट करें। इसलिए तो पढ़ रहे हैं अपन।
अगर थर्ड वन बात करते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो फैमिलियर जो लव होता है, दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल जनरल पीपल्स, सभी जनरल लोगों के लिए काम में ली जाती है। लेकिन अगर पेशेंट की बात करते हैं यहां पर, तो पेशेंट के लिए क्या आने वाला है कि सर पेशेंट को अपन क्या करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। पेशेंट को क्या करें, अपन मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ क्लाइंट नर्स रिलेशन, इसी के साथ साथ में क्लाइंट नर्स रिलेशन, ये क्या होने वाला है, इस पेशेंट के लिए लव एंड बिलोंगिंगनेस का काम करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वन में क्वेश्चन के साथ में देखिएगा, आपको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को समझेगा और आंसर पुट कीजिएगा। ए क्लाइंट हु हैड एन एप्लीकेशन ऑफ ए राइट आर्म कास्ट कंप्लेन ऑफ द पेन एट द रिस्ट। देखिए पेशेंट को क्या है, राइट आर्म के ऊपर एक प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया गया, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द आर्म इज पेसिवली मूव, जब अपनी आर्म को क्या करता है, पेसिवली मूव करवाते, तो भी पेशेंट को पेन हो रहा है, द नर्स शुड टेक विच एक्शन फर्स्ट। तो नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा, नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा, राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा, जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप मास्लो हायरार्की थ्योरी के साथ में अगर कंबाइन करके इसका आंसर पुट करना चाहेंगे, तो बहुत इजी तरीके से, मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ में नर्सिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट कीजिएगा। हमने पेशेंट को क्या कर लिया, यहां पर पेशेंट को हमने असेसमेंट किया है, सबसे पहला हमारा एक्शन क्या आएगा नर्सिंग प्रोसेस के, यहां पर पेशेंट को असेस करेंगे। देखिएगा सबसे पहला क्या है, एलिवेट द आर्म, इट इज देन इंप्लीमेंटेशन, सेकंड वन इज अ डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ठीक है। ये हम क्या करें, इवेल्युएट करने के बाद में जो भी हमारे सामने फाइंडिंग आएंगे उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ऑपियोइड, इट इज एन आल्सो इंप्लीमेंटेशन, यानी हमारा एक्शन हो गया। और पेशेंट को हम एनालाइज करें, पेशेंट ने कंप्लेन किया, पेशेंट आपके सामने कोई भी कंप्लेन लेकर आ रहा है, कंप्लेन लाने के बाद में सबसे पहला नर्सिंग प्रोसेस के बिहाफ पे पेशेंट को असेसमेंट करना चाहिए, सही बात है। जो भी पेशेंट आपके मान लीजिएगा हॉस्पिटल में आ रहा है कोई भी कंप्लेन लेकर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आते ही पेशेंट को अपन असेस करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन जो नर्सिंग प्रोसेस की हमारी स्टेप रहती है, दैट इज एन असेसमेंट फेज। और यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, चेक फॉर द पैरास्थेसिस एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म, हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट के राइट आर्म के अंदर वीकनेस तो नहीं आ गई है, ठीक है, फ्लैसिड पैरालिसिस तो नहीं हो चुका है, इट इज एन असेसमेंट प्रोसेस। क्लियर हुआ, तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहेगी इस पेशेंट के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आप इस प्रकार हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ के राइट आंसर पुट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, हम दो ऑप्शन के अंदर फंस जाते हैं, दोनों हमें सही लगते हैं, विच वन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हमें एनालाइज करना नहीं आता और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते। तो क्वेश्चन के साथ में आप एक बार इस चीज को प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप हर क्वेश्चन के साथ में इसको अप्लाई कीजिएगा, नर्सिंग प्रोसेस विद मास्लो हायरार्की थ्योरी, डेफिनेटली आप प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को इजी वे के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने टॉपिक को पढ़ा हुआ है फिर भी हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहां पर क्या, प्लास्टर कास्ट के कारण पेशेंट को हो सकता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा हो, क्या हो रहा हो पेशेंट को, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्लियर हुआ। और उसके कारण सबसे पहले पेशेंट ने कंप्लेन की और उस पेशेंट को असेस करेंगे, असेस करने पे क्या करेंगे, पेशेंट के राइट आर्म को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें बेटा, द नर्स डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विद ए कैटरेक्ट। देखिए यहां पर नर्स क्या करिए, प्लान ऑफ केयर प्रिपेयर कर रही है, क्या करिए, द नर्स डेवलप ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विद ए कैटरेक्ट, अंडरस्टैंड दैट विच प्रॉब्लम इज द प्रायोरिटी, विच प्रॉब्लम इज द प्रायोरिटी। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया गया है कि नर्स क्या करिए, प्लान ऑफ केयर को प्रिपेयर कर रही है, यानी नर्स ने क्या कर लिया, असेसमेंट कर लिया, एनालाइज या डायग्नोसिस कर लिया, अब नर्स क्या करिए, अपना गोल सेट कर रही है, प्लानिंग सेट कर रही है, ठीक है। क्या करिए बेटा, प्लानिंग या फिर अपन क्या कह सकते हैं, गोल सेट कर रही है। और अगर बात करते हैं इस गोल सेट या प्लानिंग की बात करें, तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर दैट इज द थर्ड स्टेप, क्या है ये सर, हमारी थर्ड स्टेज होती है या फिर थर्ड स्टेप होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर पुट करना है,
पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, फर्स्ट वन इज द कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ आईसाइट, दूसरा क्या है अल्टर्ड द विजन ड्यू टू द ऑपेसिटी ऑफ द ऑक्युलर लेंस, थर्ड वन इज द डिफिकल्टी मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर ग्लासेस, नेक्स्ट वन इज द बिकमिंग द लॉनली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कम्युनिटी इमर्सन। सो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्लानिंग सेट करने का मीनिंग क्या हो गया। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर अपन प्लानिंग केयर कर रहे हैं पेशेंट की तो यहां पर हमारा जो गोल रहेगा, गोल रहने वाला है, द गोल इज प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, यानी एक्चुअल इस डिजीज कंडीशन के कारण पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। एंड प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट की बात करें, कैटरेक्ट वाली कंडीशन है, ठीक है, डायग्नोसिस कर लिया कि कैटरेक्ट की कंडीशन, और कैटरेक्ट के कारण क्या होगा, सर सभी जानते हैं कि लेंस की ऑपेसिटी बढ़ जाएगी, और लेंस की ऑपेसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, पेशेंट का जो विजन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। सो ड्यू टू द ऑपेसिटी ऑफ द ऑक्युलर लेंस, एंड दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, ये हमारे पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम होने वाली है, क्लियर। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, द गोल ऑफ केयर, हम सेट करते हैं पेशेंट का क्या गोल ऑफ केयर, कि हमें केयर किस चीज की करनी है और पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होने वाले। तो अपन क्या करेंगे, द प्लानिंग जो रहेगी दैट इज द अल्टर्ड विजन ड्यू टू द ऑपेसिटी ऑफ द ऑक्युलर लेंस, ऑक्युलर लेंस की ऑपेसिटी बढ़ने के कारण क्या हो चुका है, पेशेंट का विजन क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगला सवाल समझिएगा, द नर्स इज मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ ए क्लाइंट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम एंड नोट, ठीक है, यहां पर नर्स क्या कर रही है, सर नर्स चेक कर रही है द फंक्शन ऑफ ए क्लाइंट्स चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, पेशेंट को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, पेशेंट को हो सकता है न्यूमोथोरेक्स हो, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, एंड नोट दैट द फ्लूइड इन द वाटर सील चैम्बर इज बिलो 2 सेंटीमीटर मार्क, यानी वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो आपकी चेस्ट ट्यूब है वो क्या है, डिप है, और इसमें एक मार्क किया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, और वाटर लेवल जो है वो इससे भी नीचे है, वाटर लेवल क्या है, जस्ट बिलो द 2 सेंटीमीटर मार्क, क्लियर हुआ। तो विच इंटरप्रिटेशन शुड द नर्स मेक, तो नर्स क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रही है, कि नर्स ने काम क्या किया है यहां पर, सर नर्स इवेल्युएट कर रही है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया है, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, पहले हमने असेसमेंट किया, डायग्नोसिस किया, होता है पेशेंट को निमोथोरेक्स था, हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया, अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने पे हमें ये पता लगा है कि वाटर सील ड्रेनेज के अंदर जो वाटर मार्क है वो जस्ट बिलो द 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर नर्स का इंटरप्रिटेशन क्या निकला, राइट आंसर आपका क्या होने वाला, देयर इज अ लीक इन द सिस्टम, कि हमारा जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है वो लीकेज कर रहा है, सेकंड वन द क्लाइंट हैज अ न्यूमोथोरेक्स, कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है, थर्ड वन इज द सक्शन शुड बी एडेड टू द सिस्टम, इसी के साथ अपन सक्शनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, एंड लास्ट वन इज द वाटर शुड बी एडेड टू द चैम्बर, चैम्बर के अंदर हमें वाटर एड करना चाहिए। विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं, वेरी गुड, यहां पर हम देखिएगा, यहां पर नर्स ने कौन सा एक्शन लिया है, सर अगर नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो नर्स यहां पर क्या कर रही है, सर इवैल्यूएशन कर रही है, क्या कर रही है, इवैल्यूएशन, कि पेशेंट को प्रॉब्लम थी न्यूमोथोरेक्स की, उसने डायग्नोसिस करके प्लानिंग किया, और प्लानिंग करके इंप्लीमेंट कर दिया, और इंप्लीमेंट करके इवैल्यूएट कर रही है, इवैल्यूएट करने पे उसको पता लगा है कि वाटर चैम्बर के अंदर वाटर का जो मार्क है वो जस्ट बिलो द 2 सेंटीमीटर, उसको एडिशनली और वाटर ऐड करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या रहेगी, कि ये क्या करे, वाटर को ऐड करे अप टू द लेवल ऑफ 2 सेंटीमीटर, जहां तक वाटर मार्क दिया हुआ है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, वहां तक क्या करे, इस वाटर को और फिलअप कर दिया जाए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर, ताकि इस चेस्ट ट्यूब के अंदर एयर की एंट्री ना हो, यही हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपको ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो मैंने समझाए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि आप प्रायोरिटी क्वेश्चन को कैसे डील करें। एक्चुअल क्लास के जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, फोकस करिएगा। Which of the following complication can be seen in the patient receiving the TPN at the time of tube change? किसी patient को total parenteral nutrition दे रहे हैं और जब आपको tube change करनी है, क्या करनी है, जब आपको tube को change करना है, so during the tube change,
सबसे इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, पेशेंट को हाइपरवोलेमिया हो सकता है, पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिक ड्रेनेज, सॉरी मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट हो सकता है. व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या होने वाला बेटा? देखिए, टीपीएन अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं और ट्यूबिंग अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहां पर आपका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है? वेरी गुड. कुछ बच्चे कह रहे हैं न्यूमोथोरेक्स, कुछ कह रहे हैं हाइपरवोलेमिया, एयर एम्बोलिज्म. लास्ट क्वेश्चन था वो न्यूमोथोरेक्स का, वहां से निकल कर आइए आप. वेरी गुड, एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अरे टीपीएन दे रहे हैं, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो यहां पर हमारे लंग्स के अंदर एयर नहीं जाएगी, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स नहीं होगा. टीपीएन के अपन क्या कर रहे हैं, सबक्लेवर वेन के थ्रू, आईवी रूट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो ड्यूरिंग द ट्यूबिंग चेंज हो सकता है कि कोई एयर एम्बोलिज्म क्या करे, एंटर कर जाए. बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि क्या होता है कि कोई एयर एम्बोलिज्म एड हो सकता है या फिर अंदर जा सकता है जब आप ट्यूबिंग्स को चेंज करेंगे. न्यूमोथोरेक्स सिचुएशन लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा था मैं, उसको दिमाग में लेके बैठे हूं, इसलिए दिमाग के अंदर वही चीज आ रही है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा. देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा. नॉर्सा 2022 का क्वेश्चन था ये, इमेज यही थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी हो सकती, ऑप्शन दूसरे हो सकते, लेकिन इसी के बेस पर क्वेश्चन आया था. The true statement about the device show in the image is, और वहां पर आपको पूछा गया था, इमेज आपको दिखाई गई थी और आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर को आइडेंटिफाई किया गया था कि कौन सा इंट्रायूटराइन डिवाइस है. ये तो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि सर आईयूडी का एग्जाम्पल है, कौन सी आईयूडी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले आप ये बताइएगा इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है. पहला है इट कंटेन द मेटेलिक कॉपर, इसके अंदर मेटेलिक कॉपर प्रेजेंट होता है. दूसरा है इट इज द फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. तीसरा ऑप्शन आपके सामने, इट कंटेन द लिवोनोर्जेस्टेरॉल 20 mg, एंड लास्ट वन इज इट हैज एंड द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द 10 ईयर. इट इज एन एलएनजी 20, इसको मैं एलएनजी 20 बोलते हैं, 20 माइक्रोग्राम पर डे की सबसे रिलीज होती है. राइट आंसर पुट कीजिएगा. विच वन इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड सर, इट इज एन एलएनजी 20, लिवोनोर्जेस्टेरॉल 20 माइक्रोग्राम. देखिए अब आपको दोनों इमेज एक साथ दिखा देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. देखिए दोनों के अगर अपन एक सिंपल डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं तो सर छोटा सा डिफरेंस हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों का कलर भी सेम है, ठीक है, साइज भी हमें सिमिलरली लग रही है. और अगर शेप की बात करता हूं मैं तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है. सर इट इज अ परफेक्ट टी शेप, क्या कह सकते हैं? सर इट इज अ परफेक्ट टी शेप. ये क्या है? परफेक्ट टी शेप है, और इसे हम परफेक्ट टी शेप नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर इसके जो आर्म्स हैं इन्हें हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी सी कर्व है. अब दोनों की अगर बात करता हूं, दीज ऑल आर द थर्ड जनरेशन आईयूडी. क्या होती है ये दोनों के दोनों? थर्ड जनरेशन आईयूडी का एग्जाम्पल है, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का एग्जाम्पल है. थर्ड जनरेशन आईयूडी की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? दीज आर द हार्मोनल आईयूसीडी. क्या कह सकते हैं? दीज आर द हार्मोनल आईयूसीडी. क्लियर हुआ? दीज आर द हार्मोनल इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. द फर्स्ट वन इज द प्रोजेस्टासर्ट. अगर सबसे पहले अगर बात करता हूं, सर इट इज द प्रोजेस्टासर्ट. नाम याद रख लीजिएगा, क्या होती है? प्रोजेस्टासर्ट. और प्रोजेस्टासर्ट के रिगार्डिंग याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट हार्मोनल आईयूडी. क्या याद रखेंगे? इट इज द फर्स्ट हार्मोनल आईयूडी. सबसे पहले इसी को बिल्ड किया गया था. सबसे पहली जो हार्मोनल आईयूडी होती है वो कौन सी होती है? प्रोजेस्टासर्ट होती है. और अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? जस्ट ओनली 1 ईयर. कितना होता है? लाइफ स्पैन इज अबाउट ओनली 1 ईयर, एक साल का लाइफ स्पैन होता है. क्लियर हुआ? और सेप आप याद रख लीजिए, कोई भी कॉपर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है.
कॉपर मेटेलिक कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। कॉपर वाले जितने भी कंपोनेंट होंगे वो किसमें होने वाले, आपके सेकंड जनरेशन आईडी में रहेंगे, थर्ड जनरेशन में आपने पहले से लिख दिया है। दीज आर द हार्मोनल, और हार्मोन कौन सा होता है सर, लिवोनोजेस्टेल होता है। कौन सा होता है, लिवोनोजेस्टेल। क्लियर हुआ सभी को। लिवोनोजेस्टेल की अगर बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं दीज आर द प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी। क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी होती है, और जितनी भी प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी होती है उन सभी का एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है, दीज आर द रिकरेंट ब्लीडिंग। ठीक है, अगर सवाल आपके सामने पूछ लिया जाए सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी, तो राइट आंसर लिख लीजिएगा, द साइड इफेक्ट की अगर बात करते हैं दैट आर द रिकरेंट ब्लीडिंग। दोनों के रिगार्डिंग होगा, ठीक है, जितनी भी प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी होती है। क्लियर हुआ सभी को। लाइफ स्पैन की याद रखिएगा 1 ईयर है। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट सवाल पूछा जाता है एलएनजी 20 के लिए, किसके लिए, एलएनजी 20 के लिए। अगर एलएनजी 20 की मैं बात करता हूं, एलएनजी 20 का जो लाइफ स्पैन है, दोनों आपको अलग अलग मिल सकते हैं। लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं तो अप्रूव लाइफ स्पैन कितना होता है, ओनली 5 ईयर। कितना होता है, 5 साल का होता है। अगर सवाल आपको पूछा जाए कि लिवोनोजेस्टेल कितने टाइम तक सिक्रेट करती है, तो रिलीज जो होता है वो कितने साल तक होता है, 7 ईयर तक। ठीक है, एलएनजी रिलीज अपटू 7 ईयर, रिलीज अपटू 7 ईयर। 7 ईयर तक क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार अगर हमने क्या किया है, एलएनजी 20 को इंसर्ट कर लिया, तो 7 साल तक क्या करती है वो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट की बात कर रहे हैं तो सर प्रिवेंट करने के लिए इनका एक स्पेसिफिक एक्शन भी होगा। तो दोनों की दोनों जो थर्ड जनरेशन होती है, इनका अगर एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन क्या होता है सर, प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। क्या करती है बेटा ये, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, क्या करती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है दोनों की दोनों। क्लियर हुआ सभी को। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मिरेना। एलएनजी 20 को अपन क्या बोलते हैं, एलएनजी 20 को क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज द मिरेना। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिरेना। और अगर लिवोनोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो 20 का मतलब क्या होगा, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती है, और इसके अंदर जो एलएनजी होता है, लिवोनोजेस्टेरोन होता है, वो कितना होता है, 52 mg कंटेन, 52 mg कंटेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि बात करते हैं 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती है, कितना रिलीज करती है, 20 माइक्रोग्राम पर डे क्या करती है बेटा, एलएनजी रिलीज करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर। जबकि अगर प्रोजेस्टेरोन सर्ट की बात करते हैं, 38 mg क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और लगभग 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज करती है। इसके रिगार्डिंग में लिख लो, 38 mg हैव, और अगर बात करते हैं पर डे के हिसाब से, 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है। और दोनों की पिक्चर अच्छे से देख लेना, प्रोजेस्टा सर्ट जो शेप रहेगी लाइक एज अ परफेक्ट टी शेप, कैसे रहेगी, परफेक्ट टी शेप रहेगी प्रोजेस्टा सर्ट। और मिरेना की बात करते हैं, इसके जो आर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व होंगे, कैसे होंगे, कर्व होंगे, किसी प्रकार का कोई मेटेलिक कॉपर आपको इसके ऊपर नहीं दिखाई देगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रख लेना। और इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली परफेक्ट टी शेप, कोई आर्म इसके ऊपर बेंड नहीं होगी, नीचे थ्रेड लगा होगा, इसमें भी थ्रेड लगा होगा, और इसमें भी क्या होता है, थ्रेड लगा हुआ होता है। सिर्फ यही एक हल्का सा डिफरेंशिएशन होता है जो आपको पता लगेगा इसकी आर्म को देखने के बाद में। क्लियर हुआ, तो आर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप इन पिक्चर्स को क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे, अदर देन क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, द मीन आर्टेरियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी डिवाइड बाय द 3, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 सिस्टोलिक बीपी डिवाइड बाय 3, सिस्टोलिक बीपी प्लस 3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय द 2, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय द 2, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। राइट आंसर पुट कीजिएगा, जब सवाल सिंपल सा हो और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए होते तो एग्जाम के अंदर भी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड।
systolic plus 2 diastolic blood BP divided by the 3. It is a basic formula for the mean arterial blood pressure. Simple से अगर बात करते हैं तो right answer यहां पर क्या रहेगा, that is option A. और यहां पर क्या है सर, systolic blood pressure plus बात करते हैं 2 diastolic blood pressure divided by the 3. It is the simple formula of the mean arterial blood pressure. ये आप डायरेक्टली इस सवाल से मेन आर्टरियल ब्लड प्रेशर निकाल सकते हैं. बात समझ में आ गई. नेक्स्ट वन, अगर आप चाहते हैं सेकंड वन फॉर्मूला के बारे में, तो यहां पर आपका सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, या फिर 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यहां पर ध्यान रखिएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को एड करना है. क्लियर हुआ सभी को. नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ये सवाल जो है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको पता होगा कि रेगुलर बेसिस पर आपको एक या दो जो क्विज हैं वो डाल दी जाती हैं. तो एक क्विज मैंने वहीं से उठा ली है ताकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करवा दें और प्रिडिक्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा बेटा. देखिए क्वेश्चन वही करवा रहा हूं आपको जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से और राइट आंसर पुट करें. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्रोमिगेली. एक्रोमिगेली के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कौन सा होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कौन सा होगा. ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट, केवल अपन जीएच का मेजरमेंट करें. दूसरा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मेजरमेंट, यानी हाइपोथैलेमस जो सीक्रेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन उसका मेजरमेंट करें. तीसरा है सीरम IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 मेजरमेंट करना है. लास्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी ओजीडीटी विथ ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट. सो विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर. देखिए जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एक बार देखा जरूर होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए. सर ऑप्शन बी हम इसलिए दे रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर पुट कर रखा है 83%, तो इस पे ना जाएं. और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन जो मुझे देखने को मिलता है कि आप जब YouTube क्लासेस के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर पुट अप करते हैं या फिर आप किसी कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पुट अप करते हैं और या फिर आप अपने घर पे बैठ के किसी पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, इन तीनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है. और कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन मीडिया का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है बच्चों तक जा भी रहा है, तो इससे आप बचें. और इससे बचने का मतलब है कि आप खुद पे भरोसा करें, ये सबसे बड़ी बात है. क्योंकि आज जिस लेवल पे नर्सिंग फील्ड ऑनलाइन मीडिया के अंदर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है ना, बच्चे उसी चीज के अंदर फंसते जा रहे हैं और वहां से कुछ नेगेटिव हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं. और सबसे बड़ी नेगेटिव हैबिट्स को अडॉप्ट करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके लिए है. क्वेश्चन समझाने से ज्यादा बेहतर इसलिए मैंने लगाया है ताकि आप उस चीज को समझे जहां पर हम गलती कर रहे हैं. और गलती हम ये कर रहे हैं, हम दूसरों पे बिलीव कर रहे हैं कि हाँ बाकी सब बच्चों ने आंसर सही किया होगा. कहीं ना कहीं ये चीज हम YouTube क्लासेस के अंदर भी कर रहे हैं. अगर आप इस प्रैक्टिस को गलत ना करके आज ही से सही करना शुरू कर देंगे तो आपके एग्जाम के अंदर सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. चलिए राइट आंसर की बात करें, यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा आपका, द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्लस ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट, प्लस ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट. ठीक है, हाँ राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इस चीज को समझिएगा आप कैसे है, सी आंसर नहीं है इसका. ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्लस ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट. ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं. हाँ, अगर आपको सवाल पूछा जाता है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, यहां पर लिखा हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एक्रोमिगेली. सबसे पहले आप सभी को पता है कि सर एक्रोमिगेली क्या होता है. सर एक्रोमिगेली में क्या होगा, सर जीएच का लेवल बढ़ जाएगा. क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी एक्सेसिव ग्रोथ करेगी लाइक एज अ ग्रेट खली. ठीक है, बॉडी की एक्सेस ग्रोथ होगी. सिंपल सी बात समझ में आ गई.
बॉडी क्या करेगी आपकी, एक्सेस ग्रोथ करेगी। और इस एक्सेस ग्रोथ का वन ऑफ द मोस्ट रीजन क्या है, देखिए सर रीजन ये है कि जीएच बड़ा है, सिर्फ हमें इतना ही पता है। अब जीएच क्यों बड़ा, हो सकता है पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो चुका हो सकता है सर हाइपोथैलेमस से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो ज्यादा बढ़ गया हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास में एक बेसिक डाटा ये है कि सर हमारी बॉडी में जीएच का लेवल बढ़ गया, वो कैसे भी बढ़ गया हो उसके बारे में हमें नहीं समझना है। हमें एनालाइज करना है कि पेशेंट को एक्रोमिगेली है या नहीं है। इट मींस एक्रोमिगेली कब होता है, जब जीएच का लेवल बड़ा होता है। इट मींस सर हमें जीएच का लेवल एनालाइज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में एक्रोमिगेली है या नहीं है। तो इसके लिए सर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिकेट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि थ्रू आउट द डे जीएच का लेवल क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, कभी ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, कभी ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होता है। यानी कंप्लीट डे की अगर बात करेंगे, पूरे दिन में अगर आप जीएच का एनालाइज करेंगे, इस हार्मोन का वैल्यू चेक करेंगे, तो जीएच के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस हार्मोन का जो वैल्यू होता है पूरे दिन के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसे डायरेक्टली केवल इसका मेजरमेंट करना सही नहीं है। ठीक है, दूसरे जो बच्चे ये इसका आंसर कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी कहीं भी अप्लाइड नहीं होता है। मान लो आपने इसका चेक कर लिया कि सर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या उसके कारण एक्रोमिगेली होगा, क्या उसके कारण एक्रोमिगेली होगा, हो सकता है कि पिट्यूटरी जो है जो प्रॉपर क्या नहीं कर पा रही हो, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर पा रही हो नहीं कर पा रही हो। हमें ये पता चलना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन कितना बड़ा है। एक्चुअल मैंने इसलिए कहा है कि ओवरऑल हमें ये पता है कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, तो केवल ग्रोथ हार्मोन को मेजरमेंट करने का मतलब क्या हुआ, सर पूरे दिन के अंदर फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। एक ऑप्शन आपके सामने सीरम IGF-1, ठीक है, सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये क्या होता है सर, इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्क्रीनिंग। किसके लिए, यूज्ड ओनली फॉर स्क्रीनिंग, ओनली फॉर स्क्रीनिंग। सर इसका रीजन क्या, स्क्रीनिंग के लिए क्यों ही यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जब जीएच का लेवल बढ़ता है, क्या होता है जीएच का लेवल इंक्रीज होता है, ये जीएच किसको इंक्रीज करवा देता है, इट विल मेक इंक्रीज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को इंक्रीज कर देता है, लेकिन डिजीज इससे नहीं हो रही है, तो इसको एग्जामिन करके कोई मतलब नहीं है। डिजीज किससे हो रही है सर, ग्रोथ हार्मोन से हो रही है। अब इसको एनालिसिस करने के लिए देखिएगा, ग्रोथ हार्मोन के लिए आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने क्या कहा है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT विद ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट, हम ग्रोथ हार्मोन को मेजर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये याद रखिएगा कि इसको अपन प्रायर एंड आफ्टर दो जगह करते हैं। प्रायर एंड आफ्टर का मतलब क्या हो गया, हम किसी पेशेंट को, जिस पेशेंट के अंदर एक्रोमिगेली को एनालिसिस कर रहे हैं, सर टेस्ट करते कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। टेस्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जैसे ही किसी पेशेंट को ग्लूकोज हम दे रहे हैं, तो ग्लूकोज एडमिनिस्टर करने के बाद में ग्लूकोज क्या कर देता है, अगर पेशेंट के ग्रोथ हार्मोन को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, इट विल मेक डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन, सॉरी इट विल मेक डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन। हमने अगर पेशेंट को क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है, तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर कम हो गया, दैट मींस यहां पर कंडीशन क्या है, नो एक्रोमिगेली, क्या है, नो एक्रोमिगेली, क्लियर। दूसरी अगर बात कर रहे हैं, पेशेंट का ग्रोथ हार्मोन का लेवल कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही पेशेंट को हमने ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज देने के बाद में भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या है, अभी भी इंक्रीज है, इट इज एन रियल इंडिकेशन फॉर द एक्रोमिगेली। ये क्या है, एक्रोमिगेली का रियल इंडिकेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर ओसिडिटी विद द जीएच मेजरमेंट करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हुआ, हाँ। अब इसे परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट हम क्या करते हैं, इन 2 आवर 4 टेस्ट करते हैं, यानी 4 टेस्ट करेंगे इन 2 आवर्स, यानी ईच एंड एवरी जस्ट इन 30 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट में एक बार ग्रोथ हार्मोन का वैल्यू चेक करते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ए रेड कलर वेंचुरी मास्क इज, रेड कलर का वेंचुरी मास्क आपके सामने है, नहीं है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो उसका फ्लो रेट कितना होगा और ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन जो परसेंटेज है वो कितना होने वाला है,
रेड के लिए 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, एंड लास्ट 60% एंड 15 लीटर पर मिनट। क्लियर हुआ? राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे, एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, सभी को याद होगा अच्छे से, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर क्या होगा, 40%, ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 40%, और फ्लोरेट कितनी रहेगी, 10 लीटर पर मिनट। किसके लिए? रेड कलर वेंचुरी मास्क के लिए। देखिए सभी वेंचुरी मास्क के बारे में बात करते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग कलर के वेंचुरी मास्क के क्वेश्चन आता है, वेंचुरी मास्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। नॉर्सा 2021 के अंदर क्वेश्चन आया है यहां से, ठीक है। वेंचुरी मास्क के कलर कोडिंग, इसी के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरेट। अगर सबसे पहले बात करते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क होएगा, उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 24%, क्लियर। और फ्लोरेट कितनी रहेगी, 2 लीटर पर मिनट हमारी क्या रहने वाली है, फ्लोरेट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट के लिए, व्हाइट की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 28। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरेट कितनी रहेगी, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से। और वेंचुरी मास्क को अपन क्या बोल सकते हैं, फिक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मास्क भी बोल सकते हैं। यानी हमें जितनी फ्लोरेट और जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उस अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, वेंचुरी मास्क को यूज में ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आप सभी याद रखिएगा, प्री एग्जाम पोर्टल नॉर्सेट के लिए सबसे रामबाण चीज है। यानी आरजे केयर पॉइंट के द्वारा ये इनिशिएशन किया गया था 2022 के अंदर, और वहां से लेकर अब तक रेगुलर एवरी मंथ 2 एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, 1 तारीख और 15 तारीख को। जिन बच्चों को नहीं पता है पूरी जानकारी ले लीजिएगा। हर महीने 2 टेस्ट होते हैं, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, कोई सी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सी टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हो, कोई सी बुक आप पढ़ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप प्री एग्जाम पोर्टल के साथ में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट एक साथ एग्जाम देते हैं, रियल एग्जाम देते हैं, कंप्लीट सिलेबस बेस आपका पेपर रहता है। 1 महीने के अंदर 2 टेस्ट होने वाले हैं आपके, 1 तारीख और 15 तारीख फिक्स है ये जी, ठीक है। टाइम शेड्यूल आपका फिक्स है, 9 to 12 AM, 9 to 12 PM, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर Each and every month 2 टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, Which among the following is not a saturated fatty acid? कौन सा एक saturated fatty acid का एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा एक saturated fatty acid का एग्जाम्पल नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने स्टेरिक एसिड, दूसरा है पामेटिक एसिड, तीसरा है मारिस्टिक एसिड, और चौथा है लिनोलेइक एसिड। Which one is the right answer? किसका एग्जाम्पल नहीं है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब हो सकता है किसी दूसरा हो। सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ रखा है। वेरी गुड, ऑप्शन बी, डी नॉट। चलिए ध्यान रखिएगा, लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड किसका एग्जाम्पल है भाई? फिर किसका एग्जाम्पल होता है लिनोलेइक? सर अनसैचुरेटेड का है। अनसैचुरेटेड में भी 2 होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लिनोलेइक एसिड किसका एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA। किसका एग्जाम्पल है? PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। These have 2 or more double bond. In between the carbon and carbon, double bond के number पे इनको क्या किया गया है? Divide किया गया है। तो polyunsaturated fatty acid के अंदर क्या होते हैं? 2 और 2 से ज्यादा क्या होते हैं? Double bond होते हैं। Have two and more double bond. ठीक है? ये तो इसकी definition होगी एक प्रकार से। In between the carbon-carbon. बिटवीन द कार्बन कार्बन, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनका क्या है, डेफिनेशन हो गया। अब देखिएगा लिनोलेइक की अगर बात करते हैं तो लिनोलेइक को अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा? दीज आर ऑल्सो नोन एज द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड। मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है? एनीवन टेल मी। लिनोलेइक की बात करते हैं, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है। इसके अलावा अगर एसेंशियल फैटी एसिड और पूछ लिया जाए आपको, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड की बात कर ली जाए तो सेकंड वन कौन सा होता है? दैट इज द लिनोलेनिक। कौन सा होता है? लिनोलेनिक। लिनोलेनिक, ठीक है। इट इज नॉट
मोस्ट एसेंशियल, केवल एसेंशियल की बात करें तो दोनों आएंगे, और अगर आपको ये पूछ लिया जाए विच वन इज द मोस्ट एसेंशियल, तो राइट आंसर क्या आएगा, लिनोलेइक, लैनिक नहीं होता, ठीक है, एन से याद रखेगा, नहीं होता, क्या नहीं होता, मोस्ट एसेंशियल नहीं होता, तो क्या होता है, केवल एसेंशियल होता है, याद रखेगा, क्या, लैनिक नहीं होता है, एन से याद रखेगा, नहीं होता है, क्या नहीं होता, मोस्ट एसेंशियल नहीं होता, तो फिर क्या होता है, केवल एसेंशियल फैटी एसिड होता है, एंड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द PUFA, linolenic, also example of polyunsaturated fatty acid, दोनों किसके example है, polyunsaturated fatty acid के example होते हैं, बात समझ में आ गई सभी को, very good, linolenic और lenic, दोनों चीजें पूछी है मैंने, ठीक है, lenic की अगर बात करते हैं, it is the omega 3, कौन सा होता है ये, सर ये होता है हमारे सामने omega 3 fatty acid, और lenic की अगर बात करते हैं omega 6 fatty acid, कौन सा होता है, इट इज एन ओमेगा 6 फैटी एसिड, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, ए पेशेंट हैज कम टू द वार्ड आफ्टर द लीवर बायोप्सी, व्हाट विल यू डू फर्स्ट, पेशेंट की लीवर बायोप्सी हुई है, अब इसके आगे आप उस पेशेंट के लिए क्या करने वाले हैं, इसके आगे आप उस पेशेंट के लिए क्या करने वाले हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, दूसरा है स्टार्ट द आईवी इन्फ्यूजन, तीसरा है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, और फोर्थ वन हमारे सामने क्या है, प्लेस द क्लाइंट ऑन द राइट साइड, प्लेस द क्लाइंट ऑन द राइट साइड, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, देखिएगा लीवर बायोप्सी आपने पेशेंट की है, ठीक है, तो पेशेंट की लीवर बायोप्सी करने के बाद में अगर बात करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट को सर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सबसे पहले पेशेंट को सर पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, और लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट को अपन क्या करते हैं, सर राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, कौन से देते हैं, सर राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, याद रहेगा सबको, राइट लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को देंगे, राइट लेटरल पोजीशन क्यों दे रहे हैं, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, क्यों बेटा, हमें क्या करनी है, पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिवेंट करनी है, प्रिवेंट द ब्लीडिंग, हमारी जो पंक्चर साइट है, प्रिवेंट द ब्लीडिंग, पंक्चर साइट को कंप्रेस करना है, काम क्या होगा इससे, सर जो हमारी पंक्चर साइट जहां से हमने क्या किया बायोप्सी ली है, उस पंक्चर साइट को हम क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, क्या कर देंगे, कंप्रेस, कैसे कंप्रेस करेंगे, राइट साइड में उसको पोजीशन देने के बाद में, राइट साइड पोजीशन देने के बाद में अपन क्या करेंगे, हमारे पंक्चर साइट कंप्रेस जाएगी, सॉरी जो ब्लीडिंग है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इन जनरल जब अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तब पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, जब आप लीवर बायोप्सी कर रहे हैं, ये तो हो गया पोजीशन, आफ्टर प्रोसीजर किसकी बात करें बेटा, आफ्टर प्रोसीजर की बात हो गई, जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं, यानी जब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो कौन सी पोजीशन देंगे सर, उस टाइम में पोजीशन हमारी रहेगी सुपाइन, कौन सी रहेगी, सुपाइन पोजीशन रहेगी, क्लियर हुआ, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी, द प्लेस द क्लाइंट ऑन द राइट साइड, राइट साइड उस क्लाइंट को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा, द सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विदाउट फॉल इन द पल्स रेट विद इन ए फ्यू आवर इज कॉल्ड एज, सवाल अच्छा है, हुआ क्या है, क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझिएगा, सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल, क्या आ रहा है बेटा, बिलो नहीं जा रहा है, नॉर्मल आ रहा है, बट विदाउट फॉलिंग द पल्स रेट, पल्स रेट डाउन नहीं हुई है पेशेंट की, पल्स रेट डाउन नहीं हुई है, सो विद इन ए फ्यू आवर इज कॉल्ड एज, यानी कुछ ही घंटों के अंदर पेशेंट का बढ़ा हुआ टेम्परेचर नॉर्मल आ गया, लेकिन उसकी पल्स रेट डिक्रीज नहीं हुई है, दैट इज नोन एज हाइपोथर्मिया, ट्रू क्राइसिस, लाइसिस या फॉल्स क्राइसिस, देखिए ये क्वेश्चन शायद आपने प्री एग्जाम पोर्टल के अंदर देखा होगा, लेकिन ध्यान से देखें कि क्वेश्चन सेम है या कुछ चेंजेस है, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं, वेरी गुड, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्या कहेंगे, That is known as the false crisis.
That is known as the false crisis. Clear? समझेगा. अगर किसी patient का temperature जो है वो क्या है, बढ़ा हुआ है. समझेगा बेटा, दो condition है. Temperature किसी patient का क्या हुआ है, sir temperature बढ़ा हुआ है. हम ये कह रहे हैं कि temperature जब बढ़ा होता है तो body demand बढ़ जाती है, हमारी heart rate भी बढ़ जाती है. ठीक है, क्या होती है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी. यानी बीएमआर हमारी बढ़ जाएगी, बीएमआर हमारी बढ़ जाएगी. बीएमआर बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ेगी. क्या होगा, पेशेंट की सर हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगी. यानी पेशेंट की कंडीशन थोड़ी खराब हो रही है, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही. जब आपको फीवर होता है तो ऑब्वियसली आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद में अगर पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर सडनली क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होके नॉर्मल हो गया. टेम्परेचर तो नॉर्मल हो गया, इसके साथ साथ एडिशनली आपकी हार्ट रेट भी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है. इसी के साथ साथ में आपका पेशेंट कंफर्ट बढ़ गया है, यानी पेशेंट का इंप्रूवमेंट, ठीक है, पेशेंट इंप्रूवमेंट बढ़ गया है. तो अब आप बताइएगा ये सिचुएशन क्या कहलाती है, सर दिस इज कॉल्ड एज द ट्रू क्राइसिस. इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रू क्राइसिस. इसे हम ट्रू क्राइसिस कहते हैं. इट इज अ स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ ट्रू क्राइसिस. जहां पर पेशेंट का टेम्परेचर सडनली डाउन हो गया, डाउन होकर नॉर्मल आ गया, पेशेंट की हार्ट रेट डिक्रीज हो गई और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो गई है, तो हम इसे ट्रू क्राइसिस कह सकते हैं. और अगर आप मान लीजिएगा पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है लेकिन पेशेंट की हार्ट रेट डिक्रीज नहीं हुई है, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है, देन इट कॉल्ड द फॉल्स क्राइसिस. यहां पर क्या होगा सर, यहां पर टेम्परेचर तो क्या होगा, डिक्रीज द टेम्परेचर बट नॉट हार्ट रेट, बट हार्ट रेट डिक्रीज नहीं हुई है और नो इंप्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन, ना ही पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राइसिस तो हुआ है लेकिन इट्स अ फॉल्स क्राइसिस. ये क्या है, फॉल्स क्राइसिस. ठीक है, बात समझ में आ गई है. हाँ, अगर कंडीशन ऐसी होती कि टेम्परेचर के साथ साथ हार्ट रेट भी डाउन हो जाती और इसके साथ पेशेंट का इंप्रूवमेंट आ जाता, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट. और लेकिन कंडीशन क्या है, पेशेंट की हार्ट रेट डाउन नहीं हुई है, ना ही पेशेंट को इंप्रूवमेंट आया है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर. क्लियर हुआ. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, इमेज आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, देख लो एक बार अच्छे से. नहीं दिखाई दे रही तो बता दीजिएगा. The abnormality noted in the given image of the placenta. Placenta की इमेज है, इतना पता चल रहा है आपको, इसमें कुछ abnormal situation है, तो identify कीजिएगा. पहला option आपके सामने, the cord is attached to the membranes. जो umbilical cord है वो केवल membrane के साथ में attach है. The fetal surface of the placenta is covered by a white ring at the periphery. यानी fetal surface जो है placenta की, वो क्या है, एक white ring के साथ में cover है, peripheral यानी corner के ऊपर. थर्ड वन है, इट इज द बैटल डोर प्लेसेंटा. बैटल डोर प्लेसेंटा का एग्जाम्पल है. या फिर लास्ट वन है, स्मॉल लोब ऑफ द प्लेसेंटा लाइज सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट. यानी एक छोटा टुकड़ा जो है प्लेसेंटा का वो मेन पार्ट से हटकर साइड में हो गया है. विच वन इज करेक्ट सर, सभी को पता है इट इज एन ए बैटल डोर प्लेसेंटा. ठीक है, क्लियर है. चलिए राइट आंसर आपका समझ लिया सर, इट इज द बैटल डोर प्लेसेंटा. हम इमेज देखकर समझ जाते हैं सर क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है, कि यहां पर क्या अम्लाइकल कोड जो है वो पेरिफेरल पार्ट पर जुड़ी हुई, ये अम्लाइकल कोड जो है वो साइड यानी मार्जिन के ऊपर जुड़ी हुई है, तो हमें बैटल डोर प्लेसेंटा मिल गई है. चलिए बहुत अच्छी बात है. अब नेक्स्ट वन आपके सामने एक सवाल है. सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा. द फीटल सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा इज कवर्ड बाई ए वाइट रिंग एट द पेरिफेरी इज नॉन एज इसे हम क्या कहेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा हमारे पास में ये है, मान लीजिए ये हमारे पास है प्लेसेंटा, लाइक एज अ डिस्क शेप, थिक एट सेंटर एंड थिन एट पेरिफेरल. ये प्लेसेंटा है और यहां पर क्या है,
कवर्ड बाई ए वाइटनिंग एट द पेरिफेरी, और इसके पेरिफेरल पार्ट के ऊपर मान लीजिएगा मैं रेड बना रहा हूं, आप ये समझिएगा कि व्हाइट रिंग से कवर्ड है ये, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट रिंग से कवर्ड है. सो विच इज द राइट, राइट आंसर पुट करो बेटा जल्दी से. Is it circumvallate या फिर placenta marginata? दो ऑप्शन आपके सामने, is it circumvallate और placenta marginata? Is it circumvallate या फिर placenta marginata? देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसा छोटा सा डिफरेंशिएशन है, दोनों के अंदर ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों पेरिफेरल पार्ट के अंदर आपको दिखाई देंगी, दोनों के अंदर आपको रिंग दिखाई देती है, लेकिन अगर बात करते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के बारे में, दिस इज नॉन एज द सर्कमवेलेट प्लेसेंटा. सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, सर जो रिंग रहेगी, इस रिंग का एक स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज द थिक ग्रेस and white ring, and white ring at the peripheral of the placenta. ये जो रिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डबल फोल्ड ऑफ एमनियन एंड कोरियन, दो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ये क्या होती है डबल फोल्ड बना लेती है, डबल फोल्ड बनाने के कारण यहां पर क्या होता है आपको एक रिंग दिखाई देती है. उस रिंग का कलर कैसा होता है, सर रिंग का कलर होता है थिक ग्रेस या व्हाइट. अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिया होता कि व्हाइट कलर की आपको रिंग दिखाई दे रही है, अगर डिनोट नहीं किया होता तो हम इसे रिकॉग्नाइज करते क्या, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, क्योंकि एक फाइब्रस रिंग दिखाई देती है जिसका कोई स्पेसिफिक कलर डिसाइड नहीं है, यानी अपन किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से इंडिकेट नहीं करते हैं. ए फाइब्रस रिंग, याद रखिएगा बेटा, फाइब्रस रिंग एट पेरिफ्री ऑफ द प्लेसेंटा, एट पेरिफ्री ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पेरिफ्री के अंदर आपको एक फाइब्रस रिंग दिखाई देती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्लेसेंटा मार्जिनेटा. क्या कहते हैं बेटा, सॉरी, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, नोट कर लेना, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, ठीक है. अगर आपको स्पेसिफिक इंडिकेशन दिया गया है, दैट इज द व्हाइट रिंग इंडिकेट द सर्कमवेलेट प्लेसेंटा. क्या कहते हैं, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा कहते हैं, क्लियर. और स्मॉल लॉब अगर सेपरेट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा सक्सिनटोरेटा. क्या कहेंगे, इट इज द कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा सक्सिनटोरेट, प्लेसेंटा सक्सिनटोरेट, ठीक है. यानी छोटा सा जो कोटिलेडोन्स है वो एक या दो कोटिलेडोन क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे प्लेसेंटा से. चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन. गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कौन सा होगा, एंड व्हाट डज मीन ऑफ द, सॉरी, एंडोमेट्रियोसिस का मीनिंग क्या होता है, सिंपली अगर बात करते हैं, यानी यूट्राइन लाइनिंग अगर यूट्रस के बाहर कहीं बन रही है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम जस्ट आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इज नोन एज द एंडोमेट्रियोसिस. तो एंडोमेट्रियोसिस अगर यूट्रस के बाहर कहीं हो जाएगा तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. यहां क्या हो रहा है बेटा, सर फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सर फॉर्मेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. और एंडोमेट्रियम कहां बन रही है, सर एंडोमेट्रियम बन रही है जस्ट आउटसाइड द यूट्रस, जस्ट आउटसाइड यूट्रस, यूट्रस के भी बाहर जाकर बन रही है. तो यूट्रस के बाहर जाकर बन रही है तो गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कौन सा आएगा, दैट इज द लैप्रोस्कोपी. लैप्रोस्कोपी के द्वारा अपन क्या करें, इसको एग्जामिन कर सकते हैं, किसके द्वारा, लैप्रोस्कोपी के द्वारा. क्लियर हुआ, नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा. एंडोमेट्रियम को एनालिसिस करने के लिए लैप्रोस्कोपी अपन यूज में लेते हैं, यूएससी से नहीं आएगा, ठीक है. द गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज द लैप्रोस्कोपी, याद रहे, Not the USD. चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. A 30 year old female patient is undergoing hemodialysis. किसी 30 साल की महिला के अंदर hemodialysis कर रहे हैं with an internal arteriovenous fistula.
इसमें क्या लगा हुआ है, इंटरनल आर्टिब्रस फिस्टुला लगाया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू टू प्रिवेंट, सवाल सिर्फ इतना सा है, समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, व्हाट डू यू डू टू प्रिवेंट, कि आप प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, किसको प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डिवाइस। हमने महिला को जो इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला लगाया है, इस फिस्टुला के रिगार्डिंग उस महिला को किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है इंसर्ट द आईवी लाइन अबाउ द फिस्टुला, फिस्टुला के अबव हमें इंसर्ट, जो आईवी लाइन है उसे इंसर्ट करना है। दूसरा, अवॉइड द टेकिंग ब्लड प्रेशर इन द आर्म विथ द फिस्टुला, यानी जिस आर्म में फिस्टुला लगा हुआ है उस आर्म में आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। तीसरा है पैल्पेट द पल्स अबव द फिस्टुला, जहां फिस्टुला लगा है उससे ठीक ऊपर हमें पल्स को पैल्पेट करना है। एंड लास्ट वन है रिपोर्ट ए ब्रूट और थ्रिल ओवर द फिस्टुला टू द डॉक्टर। अगर ब्रूट और थ्रिल हमें मिलती है तो इमिडिएटली हम डॉक्टर को क्या करते हैं, इन्फॉर्म देते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन सही जवाब दीजिएगा बेटा जल्दी से, विच वन इज राइट। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, जो बच्चे क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। मैंने कहा है कि पूरे क्वेश्चन का सबसे मेन जो कंटेंट आपको दिया गया है, दैट इज व्हाट डू यू डू टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस। इस डिवाइस के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई समस्या महिला को ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सर हम ये कर सकते हैं, ब्रूट एस्कल्टेट एंड द थ्रिल पैल्पेट, वेरी गुड। इसके लिए अपन क्या करेंगे सर, इसके लिए अपन करेंगे अवॉइड द टेकिंग ब्लड प्रेशर, हम ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करेंगे इन द आर्म विद द फिस्टुला। जिस आर्म के अंदर फिस्टुला लगाया हुआ है उसी आर्म में अगर आप बीपी चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर को, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बीपी कप को इन्फ्लैट करेंगे, इन्फ्लैट करने के कारण क्या होगा, आपका जो फिस्टुला में से जो हीमोडायलिसिस अपन जो कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मे बी पॉसिबल आपका फिस्टुला डिवाइस जो है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, या फिर वहां की सप्लाई क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। तो कभी भी जिस आर्म के अंदर अपने इंटरवेनस फिस्टुला लगा रखा है उस आर्म के अंदर आपको ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना है, अदरवाइज ब्लड सप्लाई क्या होगी, ऑकल्ट होगी, यानी स्टॉप हो जाएगी और आपका जो डिवाइस है उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। दूसरा देखिएगा, इंसर्ट आईवी लाइन अबव द फिस्टुला, हमें जिस तरफ हमने फिस्टुला लगा रखा है उस तरफ आपको आईवी लाइन इंसर्ट नहीं करनी है, सबसे पहली बात। दूसरा है पैल्पेट द पल्स अबव द फिस्टुला, फिस्टुला से अबव नहीं, जस्ट बिलो द फिस्टुला आपको क्या करना है, पैल्पेट करनी है पल्स को। तीसरा है रिपोर्ट ब्रूट और थ्रिल ओवर द फिस्टुला टू द डॉक्टर, फिस्टुला के ऊपर आपको ब्रूट और थ्रिल मिलेंगी, नहीं मिलती है तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। दीज आर द नॉर्मल फिनोमिना विद द आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, जब भी आप एवी फिस्टुला लगाएंगे किसी भी पर्सन को तो वहां पर आपको फिस्टुला साइट पर ब्रूट और थ्रिल मिल सकती है, दैट आर द इंडिकेशन ऑफ द नॉर्मल फ्लो। जब नॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का तो उसके साथ में आपको ब्रूट और थ्रिल मिल सकती है, जब अगर नहीं मिले तो इट मीन्स क्या है, ब्लड सप्लाई ऑक्लूड हो गई, स्टॉप हो गई, तब आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल देखेगा, तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल होने वाली आपकी, ठीक है। ब्रूट और थ्रिल क्या होता है, नॉर्मल होगा, मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करना है। सवाल बहुत इजी था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सबसे अच्छी बात होती है। देखिए अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड द 500 ml 5% डेक्सट्रोज टू बी एडमिनिस्टर फॉर द 5 आवर। सिंपल सी बात हमारे सामने क्या आ गई सर, 500 ml हमारे सामने फ्लूइड है और हमारे सामने 5 आवर टाइम पीरियड है। चले, इट शुड बी एडमिनिस्टर यूजिंग ए ब्रेड सेट, हम इसे ब्रेड सेट के द्वारा क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। द नर्स हैज टू सेट द ड्रॉप पर मिनट टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट अमाउंट, कैलकुलेट द फ्लोरेट। तो फ्लोरेट क्या होगी, कितने ड्रॉप पर मिनट पे नर्स उसको सेट करेगी कि 5 घंटे में 500 ml फ्लूड को पूरा डिलीवर कर दिया जाए। पहला है 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, दूसरा 80 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, तीसरा 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, चौथा है 80 मैक्रो ड्रॉप पर मिनट। विच वन इज करेक्ट, देखिएगा ब्रेड सेट जो होता है इस
मिनट सेट के अंदर क्या करते हैं अपन, इट इज दैट इट हैव ड्रॉप फैक्टर ऑफ 60 माइक्रो ड्रॉप. कितना? 60 माइक्रो ड्रॉप इसका क्या होता है? ड्रॉप फैक्टर होता है. सवाल वही है, केवल आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया गया है. यानी नॉर्मली अपन क्या करते हैं, टोटल फ्लूड इन एमएल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इन मिनट मल्टीप्लाई विद द ड्रॉप फैक्टर. सेम क्वेश्चन है, ड्रॉप फैक्टर आपको पता होना चाहिए. जो बुलेट सेट होता है उसमें क्या होता है, 60 माइक्रो ड्रॉप इसका क्या होगा, ड्रॉप फैक्टर होगा. तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा. टोटल फ्लूड हमारे पास में कितना है सर, 500 ml फ्लूड है. तो इट मीन्स टोटल फ्लूड हमारे पास में क्या है, ml के अंदर है, डिवाइड बाय द टोटल टाइम इन मिनट. हमारे पास में जितना टोटल टाइम है वो कितना होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए. और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, मल्टीप्लाई विद द ड्रॉप फैक्टर. किसके साथ में, ड्रॉप फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो डायरेक्टली सोल्व कर लीजिएगा, 500 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई विद द 60 इज इक्वल टू, ठीक है. तो लगभग कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई 5 30 और डिवाइड बाय द 300. राइट आंसर क्या आएगा, सॉरी राइट आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 100 माइक्रो ड्रॉप, ठीक है. 100 माइक्रो यानी 30,000 डिवाइड बाय द 300, बिकॉज हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 और आगे 3 0 और डिवाइड किया किससे, 300. 300 क्या हो गया हमारे पास में, टाइम हो गया, क्योंकि 5 आवर मल्टीप्लाई विद 60 मिनट. तो कितना हो गया, 300 मिनट हमारी टोटल ड्यूरेशन हो गया. मल्टीप्लाई हमने किया और डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट. क्योंकि हमारे पास में जो ड्रॉप फैक्टर था वो किसका था सर, 60 माइक्रो ड्रॉप था. तो टोटल यहां पर क्या होगा सर, 100 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट अगर आप देंगे तो हम 5 घंटे के अंदर पूरा 500 ml फ्लूड जो है बुलेट सेट के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं. बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कहां सी में जा रहे हो? राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है. चलिए अगले सवाल की बात करता हूं बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा. सिरोडकर स्टिचेस फॉर द फॉर प्रूवन केस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी इज डन एट, सर्वाइकल कॉम्पिटेंसी इज डन एट. हम क्या करते हैं, सर्कलेज ऑपरेशन, सिरोडकर स्टिचेस या फिर मैकडोनल्ड सूचरिंग, तीनों अलग अलग जो है नाम है इसी कंडीशन की, जिस कंडीशन अपन क्या करते हैं, नियर द इंटरनल ऑस सूचरिंग करते हैं. अगर किसी महिला के अंदर क्या है, किसी महिला के अंदर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है, क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की कंडीशन है तो इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज. ये किसका मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिपीटेड अबॉर्शन, ठीक है. या फिर अपन क्या कह सकते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिकरेंट अबॉर्शन. मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, रिकरेंट अबॉर्शन का. यहां पर अपन करने क्या वाले हैं सर, जस्ट विद इन 12 टू 14 वीक ऑफ जेस्टेशन, 12 से 14 वीक जब होते हैं जेस्टेशन के, उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की हेल्प से नियर द इंटरनल ऑस क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं. क्या करते हैं बेटा, सूचरिंग परफॉर्म करते हैं, कहां पर, जस्ट नियर द इंटरनल ऑस, नियर इंटरनल ऑस, ठीक है, इंटरनल ऑस पर सूचरिंग परफॉर्म करेंगे. और ये सूचरिंग परफॉर्म करने के बाद में फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी और जस्ट एट टर्म यानी नियर द 37 वीक सूचर को रिमूव कर देते, क्या कर देते हैं, सूचर को रिमूव कर देते हैं अराउंड 37 वीक, 37 वीक पर, या फिर इससे पहले अगर मान लीजिएगा फीमेल को लेबर स्टार्ट हो जाए तो भी बन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. बात समझ में आ गई. और किसको प्रिवेंट करने के लिए सर, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी किसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, सर्कलेज ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है.
सर्कलेज ऑपरेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारे पास में सिरोडकर, एक होता है मैकडोनल। क्या होता है? एक होता है सिरोडकर, एक होता है मैकडोनल। अगर मोस्ट कॉमनली आपको पूछ ले तो मैकडोनल सूचरिंग अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सिरोडकर ऑपरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, वेजाइनल कैनाल को भी स्टिच कर दिया जाता है। ध्यान रखना, नोट कर लेना, मोस्ट कॉमनली अगर आपको पूछा जाए सर्कलेज ऑपरेशन के अंदर तो मैकडोनल्ड सूचरिंग इज द मोस्ट कॉमनली डन। नोट लगा लेना, मोस्ट कॉमनली किसको कहते हैं, मैकडोनल्ड सूचरिंग। सिरोडकर ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वेजाइनल कैनाल को भी स्टिच कर दिया जाता है साथ में, और इसके अंदर क्या करेंगे, केवल और केवल इंटरनल ऑस को ही क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, सवाल आपके सामने भाई, बिलो डिपेक्टेड प्रोसीजर इज डन एट जेस्टेशनल एज। इमेज आपको दिखाई नहीं दे रही तो इसमें देख लो, एक बार इमेज को देख लेना, इमेज आपने देख ली अच्छे से। अब यहां पर देखिएगा, ये जो प्रोसीजर अपन परफॉर्म कर रहे हैं इज डन एट जेस्टेशनल एज, यानी कौन सी जेस्टेशनल एज के ऊपर आपको यह प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कौन से जेस्टेशनल एज के ऊपर आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। पहला है 6, 8, 10 और 15 वीक। इमेज को थोड़ा एनलार्ज कर दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, कर क्या रहा है, नाम आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ये सीरीन्स है, ये एमनियोटिक फ्लूड है, और ये क्या अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है, यूट्रस और फीटस है। Don't know. Have you say don't know? तो फिर किसको पता होगा? Picture not clear? देख लो, इसलिए मुझे पता था कि तुम्हारे यही जवाब आएंगे, तो पहले से मैंने अलग से इस पिक्चर को बड़ा करके रखा है। अब तो दिखाई दे रही होगी सभी को, वेरी गुड, इट इज एन एमनियोसेंथेसिस प्रोसेस। ये क्या होती है, एमनियोसेंथेसिस प्रोसेस है। नाम आपको इसलिए दिखाया इस पिक्चर के अंदर, रीजन ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमनियोसेंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम यूएसडी के साथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया है, इट इज फॉर रियल टाइम यूएसडी। यहाँ पर क्या करें, पेशेंट का सर रियल टाइम यूएसडी कर रहे हैं, और इस रियल टाइम यूएसडी के साथ में अपन क्या कर रहे हैं, एमनियोसेंथेसिस परफॉर्म करें। और आप सभी को बताया कि एमनियोसेंथेसिस का परफॉर्म करते हैं 15 वीक के ऊपर। देखिए, एक होता है अर्ली एमनियोसेंथेसिस, एक सिंपली पूछा जाता है एमनियोसेंथेसिस। अर्ली एमनियोसेंथेसिस मे बी डन एट 13 वीक। ठीक है, अर्ली की अगर बात कर ली जाए आपके सामने, तो अर्ली कब कर सकते हैं, एट 13 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर डायरेक्टली एमनियोसेंथेसिस की बात करें तो 15 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं। ठीक है, सर बात समझ में आ गई। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंथेसिस, एमनियोसेंथेसिस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन That is the appropriate when the IV infusion is infiltrated. अगर आप मान लीजिएगा आपने IV line किसी patient को लगाई है और infiltration हो गया है, ठीक है, infiltration हो गया है, नहीं, वहां से leakage कर गया है, तो सबसे पहला nursing intervention क्या होगा, सबसे पहला nursing intervention क्या होने वाला है अगर IV line infiltrate करती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, stop the infusion, elevate the hand, and उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हमारी जो साइट रहेगी उसको क्या करेंगे, वार्म कंप्रेशन। तीनों चीजें याद रखिएगा, सबसे पहले स्टॉप द इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन को स्टॉप करने के बाद अपन क्या करते हैं, हैंड को एलिवेट करते हैं, एलिवेट करने के बाद में क्या करते हैं, उस साइट को जहां इन्फिल्ट्रेट साइट होती है उसके ऊपर वार्म कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, वार्म कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, एलिवेट द साइट, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब एंड अप्लाई द वार्म एंड मोइस्ट कंप्रेशन। सो विच वन इज द मोस्ट प्रायोरिटी, तो मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, दैट इज discontinue the infusion या फिर stop the infusion, it is the first priority. Second one, elevate the hand. Third one is the apply the warm compression.
थर्ड वन इज द वार्म कंप्रेशन, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अनोदर हैंड के अंदर उस इन्फ्यूजन को इनिशिएट करते हैं। क्या करते हैं, अनोदर हैंड में उस इन्फ्यूजन को इनिशिएट करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए ट्रेनी नर्सिंग स्टूडेंट वाइल वर्किंग इन द ऑर्थोपेडिक्स वार्ड, देखिएगा अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर काम कर रहा है, पुट द फॉलोइंग थिंग इन येलो बैग। वो क्या कर रहा है, कुछ उसके पास में सोल्ड आइटम है, उनको येलो बैग में डाल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट हैव बीन पुट इनटू द येलो बैग, कौन सा उसे येलो बैग में नहीं डालना चाहिए। अभी अभी सीख रहा है ना, तो उसको पता नहीं है, तो गलती हो जाती है उससे। तो आप उसे बताएंगे कि आपको ये आइटम जो है वो येलो बैग में नहीं डालना है। क्या उसे वुंड ड्रेसिंग येलो बैग में नहीं डालनी चाहिए, क्या उसे यूरिन बैग येलो में नहीं डालना चाहिए, क्या एक्सपायर्ड मेडिकेशन नहीं डालनी चाहिए, क्या उसे ब्लड स्टेन्ड कॉटन स्वैब येलो में नहीं डालना चाहिए। आंसर पुट कीजिएगा बेटा, विच वन इज राइट आंसर, कौन से जो सोइल्ड आइटम है वो उस बच्चे को येलो डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। कुछ बच्चे डी कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, एक्सेप्ट बी सी। बहुत अच्छे से तुम्हें समझा रखा है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर पूरी क्लास ले रखी है, तो सिंगल वन स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद नहीं रखता हूं मैं। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, यूरिन बैग इन रेड, वेरी गुड। देखिएगा यूरिन बैग जो है वो उसको येलो में नहीं डालना चाहिए, वो किसमें जाएगा आपका, रेड बैग में जाएगा। किसमें जाएगा, रेड बैग में। अगर ब्लड बैग की बात करते हैं तो ब्लड बैग आपका किसमें चला जाएगा, ब्लड बैग किसमें डालते हैं अपन, येलो के अंदर डालते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर बीटी सेट की बात करता हूं मैं, देखिए दो तीन सवाल आपके सामने है। अगर बात करते हैं यहां पर ब्लड बैग की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ब्लड बैग, तो ब्लड बैग किसमें चला जाएगा आपका, सर ब्लड बैग जाएगा आपका येलो में, येलो में जाएगा। चलिए मुझे बताइएगा, बॉडी फ्लूड यूरिन बैग में, अगर मान लीजिएगा इसमें यूरिन फिलअप है, अगर यूरिन भरा हुआ है तो यूरिन को किसमें डालेंगे, क्या ये भी रेड में चला जाएगा या फिर इसको येलो में देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस यूरिन को डिस्कार्ड करेंगे किसमें, सर यूरिन को येलो के अंदर डालेंगे, बिकॉज ऑफ ऑल बॉडी फ्लूड। येलो में क्या जाते बेटा, ऑल बॉडी फ्लूड, सारे के सारे बॉडी फ्लूड येलो में ही जाते हैं, जब इसकी उसके बाद में रिमेनिंग बैग को रेड में फेंक देंगे। अगर बीटी सेट पूछ ले, ब्लड बैग तो येलो में चला गया, अगर बीटी सेट आपको पूछ लिया जाए तो बीटी सेट किस में जाएगा, सर ये जाएगा आपका रेड में, ठीक है। आईवी ट्यूबिंग्स किस में जाएगी, ये भी जाएंगे आपकी रेड के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है, छोटे छोटे कंफ्यूजन है जो एग्जाम के सवाल को गलत करवा देते हैं, और आई होप कि आपने अच्छे से समझा हुआ है, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल आपके शायद पूरे हो गए आज के, इंपोर्टेंट आपकी क्लास थी और टेस्ट सीरीज आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए वो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज आई थिंक उसका ऑफर वगैरह का कुछ लास्ट डे है, उसके बाद में आपकी फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और रेगुलर बेसिस पर आप आने वाले दो महीने लगातार इन टेस्ट के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके सामने जितना टाइम है 2 मंथ्स का, इन 2 मंथ्स के अंदर अगर आपने सारा कुछ पढ़ रखा है तो उसके साथ साथ आप कम से कम 2-3 घंटे एक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें, जहां से आप उस चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 2 महीने के अंदर, और रेगुलर बेसिस पर आप केवल 2 पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि लगभग 70 पेपर हम आपको देने वाले हैं, 70 पेपर आपके रहने वाले हैं और लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके रहेंगे, प्री डिसाइडेड शेड्यूल के साथ में रहेंगे। शेड्यूल को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखिएगा सबसे पहले एंडो है, फिर रेस्पिरेटरी है, फिर ओबीजी है, तो आपने 3 सब्जेक्ट यानी 1 सब्जेक्ट और 2 आपके सिस्टम रेडी हो गए, इन तीनों का फिर एक साथ टेस्ट होगा। देखिए मैं आपको टेस्ट का कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता है, सर ये मिनी मेजर क्या है, मेजर क्या है। पहले एंडो का टेस्ट आपने दिया, उसके बाद में 1 दिन का आपका गैप रहेगा, फिर रेस्पिरेटरी दिया, फिर 1 दिन का गैप रहेगा, फिर ओबीसी दिया। अब तीनों का एक साथ टेस्ट देने का मौका मिलेगा आपको यहां पर। जो मिनी मेजर फर्स्ट है इसमें केवल ये 3 सब्जेक्ट आने वाली है, उसके बाद में कार्डियो, F1 और न्यूरो का टेस्ट होगा, इन तीनों का नेक्स्ट एक सिमिलर एक कंबाइन एग्जाम होगा आपका मिनी मेजर 2 में। इसी प्रकार से जहां जहां पर आपको मिनी मेजर दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर वाले तीनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे मस्कुलो, ZIT और फार्मा, तीनों का एक साथ होगा मिनी मेजर 3rd में।
इट मीन्स यहाँ पर आपके एक एक सिंगल सब्जेक्ट के साथ में उन्हीं सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करने का भी मौका मिल रहा है, और यहां तक आते आपके रेगुलर क्या होंगे, 8 मिनी मेजर टेस्ट कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, 8 तो आपके केवल मिनी मेजर टेस्ट जिसमें सारी सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज हो चुकी होंगी, और लास्ट में आकर फिर आपकी पूरी सब्जेक्ट का अलग से मेजर टेस्ट होंगे जिनमें 6 टेस्ट रहेंगे पूरे ऑल सिलेबस बेस्ड। ठीक है, तो जिससे बच्चे को ज्वाइन करना है डायरेक्टली वेबसाइट सॉरी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकता है, या फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके वहां से भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं ठीक 4 बजे की क्लासेस के अंदर, यूट्यूब क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। 4 बजे की क्लास के अंदर नॉर्थसेट के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए इमेजेस वाले क्वेश्चन, कुछ नए कॉन्सेप्ट, बस आप रेगुलर मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, डेली आपकी 4 PM होगी। ठीक है, धन्यवाद।